Yeah, I do, but they're not up here. स्नान किया है पर वो है पंच स्नान वाला जीब्रो के निकालते रहता है टिकटॉकर है तू एक टाइम का। तो गुड मॉर्निंग गाइस, तो सुबह के बज चुके हैं 4:30 और हम निकले हैं बद्री का आश्रम की तरफ। जय हो। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं बद्रीनाथ धाम। कपाट खोलेंगे 2 घंटे बाद ठीक। और भीड़ आप देख पा रहे हैं, भीड़ अभी उतनी ज़्यादा है नहीं। और यहाँ पे सजावट फुल अच्छी हो तरीके से है, सब श्रद्धालु यहाँ पे आ रहे हैं बद्रीनाथ धाम। वो हो गया बाबा का त्रिभुजा। और सुबह के टाइम पे बोला जाता है पानी बहुत गर्म होता है, और अभी टेस्ट करेंगे पानी गर्म होता है या नहीं यहाँ पे। अब तो कुंड में बहुत ज़्यादा ही हो रही है। जय ठंड उतनी लग नहीं रही है जितना सोच रहे थे, शायद ये DNA में होगा हमारे कि ठंड लगती नहीं है। अभी देखते हैं नहाने के बाद। एक्चुअली शैम्पू करना यहाँ पे अलाउड है ना, वहाँ पे जाएंगे तो जुर्माना है, तो जुर्माना हम देना चाहते नहीं हैं, तो इसलिए अब नहाते हुए मत ठहर दियो। तो गाइस स्नान कर दिया है, पर इस लौंडे ने भी स्नान किया है, पर वो है पंच स्नान वाला जीब्रो के निकालता रहता है टिकटॉकर है तू। एक टाइम का पीछे तक का दृश्य दिखाते हैं गाइस। यहाँ से तो एंट्री नहीं मिलेगी अपने को, यहाँ एंट्री का बहुत दिक्कत है। अब लोकल्स के लिए अलग जगह से है, वहीं से जाएंगे अभी हम। अंदर तो एंट्री मार दी पर हमारा बंदा बाहर ही छूट गया। भाई जी हमारा छूट गया था, ले आए इसको अंदर। डॉक्टर साहब जैसा आप देख पा रहे हैं कि ताला लगा हुआ है, और ठीक 7:10 पे यहाँ कपाट खोले जाएंगे जिसका सारे श्रद्धालु इंतजार कर रहे हैं। ठंड भी काफ़ी है यहाँ पे, और जैसा आप देख पा रहे हैं आसार हैं मौसम ख़राब होने के, और पूरे भारत से अनेकों VIP दक्षायण्याम। 7:03 तो हो चुके हैं, बस 7 मिनट है ताला खुलेगा और कपाट खुलेगा। ठीक पट खुलने से पहले 2 कबूतर आके बैठ जाते हैं, जैसा अमरनाथ की गुफा में भी 2 कबूतर बैठा करते हैं, सेम वैसे ही आवाज़ हो मुझे। ओम और मौसम के खराब होने की यहाँ पर 100% लग चुका है कि 100% गारंटी है कि मौसम खराब होगा ही होगा। स्टार्ट हो गई, बर्फ गिरना शुरू हो चुका है यहाँ पे। भाई जी के फोन पे आके गई है ये, भाई हां बस वही दिखा रहा हूं।
छोटी सी जो किसी ही हटके बड़ी बर्फ पड़ी है बर्फ और यहाँ पे बर्फ गिरती हुई गमलू का गमलू निकल गया है ठंड में हैं ठंडा हो रहा है गौरी सुनाय गणनाथ नमो नमस्ते ईश्वराय सर्वेश्वराय सुंदराय सुरेश्वराय भीगना तो पड़ेगा ये क्या दिक्कत है अरे कोई दिक्कत नहीं भाई बहुत ज्यादा ठंडा पड़ रहा है ये कम है यार ये पुछावा पैर गीले होंगे होंगे तो हाँ सभी लोगों से निवेदन है कृपया सभी लोग शांत रहिए मंदिर में अभी पूजन का कार्यक्रम चल रहा है सभी लोग शांति बनाए रखिए बस पूजा संपन्न होते ही मंदिर के कपाट खोले जाएंगे जैसा आप देख पा रहे हैं कि ताले में से कपड़ा हटा दिया गया सभी लोग शांत रहिए बाकी सब तो ठीक बट ठंड इतनी ज्यादा खतरनाक लग रही है कि पैर मतलब जम से गए हैं मैंने फूल ही फेंक मारा चाइना के साथ लड़ाई हुई बम कैसे फेंकेगा सही जगह तो खतरनाक पुष्प वर्षा यहाँ पे हेलीकॉप्टर द्वारा होती हुई और बहुत ही बढ़िया बहुत मजा आया अद्भुत बस वो घड़ी आ चुकी है जब कपाट खुलने ही वाले हैं बस इसके बाद नारायण देवता के साक्षात दर्शन होंगे हम सबको प्रसाद ले रहा था भीड़ बहुत ज़्यादा थी यहाँ पे कमलू परेशान हो गया था बहुत ज़्यादा जय बद्री विशाल जय बद्री विशाल चल आइए हम लोग बहुत खुशकिस्मत रहे दर्शन करवा रहे हैं हम लोग धक्का मुक्के फूल चल रही है हाँ भाई वीडियोग्राफी कर रहा है कर लो एक बार फोन कर लेना तो चलो देखिए 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 बड़े फेमस है फिर भी क्या करें पीछे लाइन में लगना पड़ रहा है हमको चलो ठीक है फुरके फुरके
दर्शन करें। हम बहुत खुशकिस्मत आए कि 7:10 में जब पट खुले उसके तुरंत बाद ही हम लोग दर्शन कर पाए, और भीड़ काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी उस दौरान यहाँ पर। कुछ जानकार लोग मिले जिनके कारण थोड़ा दर्शन हमारा हो पाया, और धाम में हम अभी एग्जिट गेट से बाहर आके यहाँ पे हम लोग आए हैं, और बद्रीनाथ क्या भव्य फूलों से सजाया गया है, और यहाँ पे काफ़ी भीड़ है, काफ़ी लोग आए हैं। इवन लोकल्स को भी अभी एंट्री लेने में काफ़ी मुश्किल पड़ रही है, और गर्भगृह में जहाँ आप जाते हैं मेन परिसर में वहाँ भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है क्योंकि भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है। बस ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बहुत बढ़िया, बहुत आनंद है भैया। अपने हो गए चप्पल गायब, अब नंगे पैर जाएंगे। चप्पल नहीं रखे थे पर अब चप्पल गायब हो चुके हैं, अपने चप्पल गायब हो गए भाई। सनी डल गया भाई, सनी हो गई हालत खराब, नंगे पैर ही चलना पड़ेगा अब। ये सब कमलू की वजह से होगा, भविष्यवाणी हो। ट्वेल्थ पास तो हुआ नहीं अभी, 1.5 लाख का मोबाइल चाहिए तेरे को। वापिस दर्शन के बाद वापिस। मुझे पता लगा है मेरे को चाचा 50,000 रुपए दे रहे हैं भाई। हैं? हम मेरे को 50,000 रुपए दे रहे हैं। हाँ, इसके 1 लाख रुपए देने के बाद मैं इसे दूंगा 50,000 रुपए। हाँ, ये भी ना बात। ऐसा था, अंधेरा था, यहाँ भी है एंट्री ये रही बद्री धाम की। हमने तो खैर दूसरी जगह से करी एंट्री। देखो भाई काम कर रहा है, बहुत खतरनाक है। देखो वर्कअप भी चल रही रहा है वहाँ, और बद्री धाम का भी हम दर्शन करने के बाद अब हम अपने वापस अपनी जगह जाते हैं। मिट्टी गिरा है और जो चप्पल चोरी हुई है हमारी हमारी मेरी इसकी उसकी रिपोर्ट कराने जाऊंगा। बारिश हो रही थी यार, बर्फ गिर रही थी। भाई जी हैं यहाँ पे, उनके साथ मिलेंगे अभी। जय बद्री। हम लोगों ने भी एंट्री कर दी, और जिस टाइम पे लोग आ गए हैं यहाँ, और जिस टाइम पे नारायण भगवान को का स्नान हो रहा था उस टाइम पे हमने उनके दर्शन किए, और बहुत ठंडा है, और ख़ासकर मेरे को पैरों में तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। जो मैंने बताया कि मेरी चप्पल चोरी हो गई तो वो हो गया था हमारा, तो ये रहा है जी जी जी। यहाँ पे क्लिक करने में ज़रा दिक्कत है, पर बहुत बढ़िया है, आप पीछे मंदिर के दर्शन देख पाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। किधर से जाना है भाई हमने? एक ही रास्ता है भाई जी, बद्रीनाथ में अब भीड़, ये बहुत भीड़ है, इतनी धक्का मुक्की है। ये एंट्री है, एक मेन एंट्री हो रही है यहाँ से नहाने के बाद की एंट्री, ये है एक एंट्री, ये है VIP एंट्री जो बोलते हैं दर्शन में। हाँ जी, तो गाइस अब हम चल पड़े हैं दोबारा अपने माना गांव की तरफ, और इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट ईयर। काफ़ी टाइम लग गया है, और आप इसे लाइक सब्सक्राइब करती रहिए और अपना प्यार।